नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष टीवी में। और आज हम बात करेंगे ऐसे गैंगस्टर की जिसके पिता थे पुलिस और जिससे प्यार हुआ था वह भी पुलिस, और जो बनना चाहता था देश का नामी खिलाड़ी, पर जब उसके कदम जुर्म की दुनिया में पड़े तो वो बन गया था हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉन का शार्प शूटर। तो कहानी है उस युवक की जो 100 मीटर हर्डल रेस का स्टेट लेवल खिलाड़ी रह चुका था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संपत नेहरा की, जो है लॉरेंस विश्नोई गैंग का शार्प शूटर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक लॉरेंस विश्नोई की कहानी नहीं सुनी है तो हमने उसकी ज़िंदगी के बारे में पूरी कहानी बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं संपत नेहरा के बारे में कि संपत नेहरा अचानक 2018 में सुर्खियों में आया था, और सुर्खियों में आने की वजह थी उसने सलमान खान को मारने का जिम्मा उठा लिया। काले हिरन के शिकार के केस में नाराज चल रहे लॉरेंस विश्नोई ने सलमान खान को मारने का जिम्मा संपत नेहरा को दिया था, पर पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। संपत नेहरा को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सबसे खतरनाक और सबसे सातिर शूटर माना जाता है। संपत नेहरा किशनगढ़ चंडीगढ़ का रहने वाला है और मूल रूप से चुरू राजस्थान का निवासी है। संपत नेहरा के पिता हरियाणा पुलिस में ASI रह चुके हैं और छोटा भाई फौज में है और एक बहन की शादी हो चुकी है। मतलब ये कहें कि कुल मिलाकर एक सामाजिक इज्जतदार परिवार, पर फिर भी कहीं ना कहीं संपत नेहरा गुमराह होकर इस जुर्म की काली दुनिया में आ गया था। संपत नेहरा छात्र राजनीति में भी सक्रिय रह चुका है और संपत नेहरा छात्र राजनीति के ही जरिए जुर्म की दुनिया में आया था। जेल जाने से पहले संपत नेहरा ने लॉरेंस विश्नोई का विश्वास जीता और अपने आप को उसकी गैंग के लिए काबिल बनाया। बताते हैं, संपत नेहरा लॉरेंस विश्नोई का जूनियर था कॉलेज में और वो लॉरेंस विश्नोई का अपना आइडियल मानता था। लॉरेंस विश्नोई की गैंग के लिए काबिल होने के बाद उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, और फिर यहीं से संपत नेहरा लॉरेंस विश्नोई गैंग का शार्प शूटर माना जाने लगा। करीबन एक दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं संपत नेहरा पर, जिसमें लूट, हत्या, सुपारी किलिंग, हत्याओं के प्रयास के मामले दर्ज हैं। संपत नेहरा का मुख्य काम सुपारी से लेकर किसी की भी हत्या करने का था। निशाने का तेज होने की वजह से लॉरेंस विश्नोई की सारी किलिंग की सुपारी का जिम्मा संपत नेहरा को ही मिलता था। साल 2016 में संपत नेहरा को पहली बार गिरफ्तार किया कार लूटने के केस में, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही वह जेल से बाहर आता है और फिर उन्हीं कारनामों को अंजाम देने लगता है। संपत नेहरा ने साल 2017 में पंचकुला के सिविल अस्पताल में गैंगस्टर दीपक को पुलिस की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर फरार कर ले गया था। इसके बाद संपत नेहरा दिन पर दिन कुख्यात होता जा रहा था। वो आए दिन कोई ना कोई बड़े काम या कांड को अंजाम देता रहता था। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की पुलिस संपत नेहरा से आ चुकी थी और पुलिस पर भी दबाव पड़ने लगा था कि संपत नेहरा का कुछ करो। और सबसे ज़्यादा दबाव जो आने लगा था वो हरियाणा पुलिस पर आने लगा था, क्योंकि संपत नेहरा पर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले हरियाणा में ही रजिस्टर्ड थे। इसी बीच हरियाणा पुलिस बुरी तरीके से संपत नेहरा के पीछे पड़ी हुई थी, खासकर जब से वह हरियाणा पुलिस की आंख में मिर्च पाउडर डालकर एक अपराधी को भगा कर ले गया था। उस दौरान संपत नेहरा सलमान खान की रेकी में लगा हुआ था, क्योंकि उसने सलमान खान को मारने का जिम्मा उठाया था। सलमान खान की रेकी करने के दौरान वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता था, और सबसे बड़ी हैरानी कर देने की बात यह थी कि संपत नेहरा की जो गर्लफ्रेंड थी वो चंडीगढ़ में पुलिस लेडी कांस्टेबल के पद पे तैनात थी। लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने संपत नेहरा की गर्लफ्रेंड का फोन ट्रेस किया, और इस ट्रेस के जरिए पुलिस आंध्र प्रदेश पहुंच गई थी और आंध्र प्रदेश के साहिबाबाद के वेंकट रमन कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई कि वह लॉरेंस के साथ साथ दिलप्रीत सिंह के लिए भी शार्प शूटर के तर्ज पर काम कर रहा था। तो यह थी संपत नेहरा की कहानी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।